ऑल एंड गाइस, जस्ट अभी आपने प्रोजेक्ट देखा, सो ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा तभी आप आ गए हैं. सो अभी इसकी एल्गोरिदम समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या है. सो एल्गोरिदम यार ये है कि सबसे पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो हमने एक इनिशियल फ्रेम लिया, इनिशियल एक फ़ोटो ले लिया कि ये फ़ोटो मेरा रेफरेंस फ्रेम है. अब जो उसके बाद भी फ्रेम आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारी बेडशीट का कलर पहचानना है. जैसे मेरे केस में मेरी बेडशीट का कलर ब्लू था, तो मैंने ब्लू के हिसाब से उसके HSV स्पेस अभी आपको आगे बताऊंगा कि ब्लू कलर, आप इतना समझो कि ब्लू कलर को मैंने आइडेंटिफाई करा. अब ब्लू कलर को मुझे करंट फ्रेम में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो इस अगर ये जो अभी चल रहा है, मैंने ब्लू कलर ऐसे लाया, अब ब्लू कलर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और इसकी जगह जो मैंने फर्स्ट फ्रेम लिया था बिल्कुल जब वीडियो स्टार्ट हुई थी और वो लगा दूंगा, तो वो ऐसा अपीयर होगा ना कि जैसे कि कहते मींस आप इनविजिबल हो रहे हो. मैंने ऐसे करके अपना फर्स्ट फ्रेम ले लिया, उसके बाद ऐसे करके बेडशीट लाया ब्लू, अब इसकी जगह मेरा जो इनिशियल याला पोज था उसमें इतना पार्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं विजिबल हो गया. तो हमें यही करना है. टेक्निकल टर्म्स में अगर बोलें तो हमें बेडशीट का कलर पहचानने के लिए सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल कलर स्पेस होता है वो उससे हटकर हमें HSV कलर स्पेस में आना पड़ेगा, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू. सो हम लोग अभी कोडिंग पे चलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, दैट इज CV2 एंड NumPy, एंड ये यहां पर मैंने इंपोर्ट करी है, यहां पे CV2 एंड NumPy. एंड इसके बाद ये अभी फंक्शन को भूल जाओ. सो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन ऑफ द कैमरा, ये यहाँ पे कैमरे का इंस्टेंस लिया है CV2.VideoCapture से. यहाँ पे कैप में कैमरे का इंस्टेंस आ गया और ये बार्स कितने क्रिएट होंगे, 6, क्योंकि अपर HSV और लोअर HSV वैल्यूज होंगी शीट के कलर की. अगर मान लो मेरा रेड कलर है तो उसकी कुछ लोअर वैल्यूज होंगी, कुछ अपर वैल्यूज होंगी, कि इस रेंज के बीच में वो रेड कलर आ सकता है, क्योंकि परफेक्टली रेड तो होगा नहीं कुछ ये ऐसा. तो ये सारी ये मीन्स CV2.create ट्रैक बार क्या करता है कि एक ये ट्रैक बार जैसे ऐसे करके बार नहीं होता है वो ट्रैक बार, उस ट्रैक बार को बना देता है. अब वो ट्रैक बार की पोजीशन जब चेंज होगी तो हम उसमें अभी देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू उसमें से उठाते हैं. आप अपनी किसी भी शीट कलर, इनफैक्ट किसी भी शीट कलर के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो. सो ये हमारा क्रिएट ट्रैक बार आ गया. फाइनली अब हमें फर्स्ट फ्रेम अपना लेना है. तो फर्स्ट फ्रेम लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इन्फिनाइट लूप चलाते हैं. ये इनिशियल फ्रेम तब तक लेगा जब तक उसे बैकग्राउंड मिल नहीं जाता, क्योंकि जो मतलब ये सीवी कैप डॉट रीड हम अपने फ्रेम कैमरा से जो रीड कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वो मतलब सच्ची में कोई फ्रेम दे देगा. कभी कभी होता है कि फेलियर्स हो जाते हैं फ्रेम के, तो वो फेलियर ना हो इसलिए हमने ये इन्फिनाइट लूप चलाया कि जैसे ही इसके पास एक इनिशियल फ्रेम आ गया उसे हमने इनिट फ्रेम नाम दिया है. इनिशियल फ्रेम हमारे पास जैसे ही आ गया और हमारा रेट वेरिएबल ट्रू हो गया, मींस रिटर्न ट्रू हो गया, तो हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे. ये वाला जो लूप है यहां पर इसे हम ब्रेक कर देंगे. अब इसके आगे हम चलेंगे, ये हमारे फाइनल कोडिंग पार्ट आती है और यहीं से एक्चुअल मैजिक हमारा स्टार्ट होता है. सो गाइस रेडी हो जाओ हैरी पॉटर के क्लोक के लिए. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जो भी फ्रेम्स आ रहे हैं वो यहाँ से रीड करेंगे. ये भी एक इनफाइनाइट लूप है. अब जैसे ही फ्रेम रीड हुआ हमने उसे क्या करा, उसका जो कलर स्पेस है वो BGR ब्लू ग्रेड रीन से यहाँ पर HSV में कन्वर्ट कर लिया. अब ह्यू सेचुरेशन वैल्यू, हमारे पास अपर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज कहाँ से आएंगी गाइस, ट्रैक बार से. तो यहाँ पर हमने क्या करा, 6 की 6 अपर ह्यू अपर सेचुरेशन अपर वैल्यू और लोअर ह्यू लोअर सेचुरेशन और लोअर वैल्यू, ये तीनों अलग अलग ट्रैक बार से हमने इनके पोजीशंस ले लिए. यहाँ पे देखिए हर एक ट्रैक बार के पास इसकी पोजीशन थी कि ये कितना मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है. ठीक है गाइज, ह्यू जो होता है वो मैक्सिमम 180 जाता है, वैल्यू और सेचुरेशन मैक्सिमम 255 जाते हैं. सो गाइज उसके बाद हमने क्या करा, एक हमें कर्नल चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी फ्रेम्स बना रहे हैं ये डिपेंडेंट है. अगर आपका वेबकैम बहुत ही क्लियर है तो फिर आपको डायलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. डायलेशन मींस कि मींस उसे फ्रेम को आप डायलेट कर रहे हो, उसमें जो छोटी छोटी इंप्योरिटीज़ हैं वो उसे हटाने की कोशिश कर रहे हो. अगर छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, उन डॉट्स को मींस हटा देगा. तो यहाँ पर अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि यहाँ पे एक मैंने numpy.ones क्या कर रहा है, 3x3 की एक 1111111111 ये एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है. ये मैट्रिक्स क्या करेगी कि फ्रेम को हर जगह लगाकर उसे एवरेज कर देती है, जिससे कि छोटे छोटे जो डॉट्स हों वो हट जाए वहाँ से. अब इसके बाद क्या हो रहा है कि मैंने जो अपर और लोअर सेचुरेशन वैल्यूज़ आई थी, ह्यू सेचुरेशन वैल्यूज़, तो इनको मैंने एक एरे में ट्रांसफॉर्म कर लिया. अपर HSV और लोअर HSV ये दोनों एक छोटे छोटे टपल्स बन गए, एक छोटे छोटे वो एरेज बन गए. अब इसके बाद ये आया हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन CV2.inRange. अब CV2.inRange क्या है कि यहाँ पर ये इंस्पेक्ट, ये जो है ये हमारा फ्रेम आ गया जो कन्वर्टेड था HSV स्पेस में, और लोअर HSV और अपर HSV ये हमने दो इसके पैरामीटर पास कर दिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो भी कलर हो उसे सब्ट्रैक्ट करके इसका मास्क बना दो. अब मास्क जो बना है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि इंप्योरिटीज होंगी, तो यहां पर देखिए मैंने एक मीडियन ब्लर लगाया है और उसके बाद मास्क को मैंने इनवर्स कर दिया. इनवर्स क्यों करेगा अभी आगे देखेंगे.
उसके बाद इन्वर्स करने के बाद मैंने इसे डायलेट कर दिया। डायलेट क्यों करा? क्योंकि मुझे छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ जो थी उसे हटाना था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो अब हमारा फाइनल काम हो चुका है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये आ चुका है मास्क, अब इससे हमें सारी इमेजेस को जज करना है। जैसे मैंने अगर ब्लू शीट दिखा दी, अब मुझे ये पता चल गया कि ब्लू शीट का इतना एरिया, ट्रायंगुलर एरिया इतना है। अब वो एरिया जब हमें मालूम पड़ गया तो करंट फ्रेम, ये जो अभी फ्रेम चल रहा है, इसमें से उतना एरिया हटाकर जो फर्स्ट फ्रेम मतलब रेफरेंस फ्रेम हमें मिला था, इनिशियल इनिट फ्रेम, उसे हम लगा देंगे उस जगह पे। तो ये देखिए कैसे करेंगे। BGR ये हमने अलग अलग चैनल सेपरेट कर लिए क्योंकि हमारे पास BGR इमेज आ रही है कैमरे से। उसके बाद हमने बिटवाइज एंड कर दिया मास्क के इनवर्स और सारे उनका जो भी हमारे पास चैनल्स आ रहे हैं करंट फ्रेम से। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी करंट फ्रेम में मीन्स जो बाकी का एरिया था वो वैसा ही रहा, लेकिन जो फ्रेम वाला एरिया है जहाँ पर हमारी शीट दिख रही है उतना एरिया हमारा ब्लैक हो जाएगा CV2.bitwise_end से। अब इतना एरिया ब्लैक होने के बाद हमने कर दिया CV2.merge, वो उस इमेज को मर्ज करके भेज दिया कि भाई ठीक है इतना एरिया तुम्हारा ब्लैक हो गया, अब तुम जाओ। अब उसके बाद हमारा क्या है कि इनिशियल फ्रेम, हमने इनिशियल फ्रेम को अब यूज़ करा क्योंकि इनिशियल फ्रेम का उतना ही एरिया जितना ब्लैक है नॉर्मल फ्रेम का उतना हमें वहाँ पर लगाना है। तो हमने क्या करा, इनिशियल फ्रेम और मास्क का हमने बिटवाइज एंड कर दिया। बिटवाइज एंड क्यों करा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि मास्क जो, मास्क और मास्क इनवर्स अलग अलग चीज़ें गाइस। मास्क जो है वहाँ पर इतना एरिया वाइट है और बाकी सब ब्लैक है, और मास्क इनवर्स में इतना एरिया ब्लैक है बाकी सब वाइट है। तो अब मास्क से जब इसका बिटवाइज एंड होगा, बिटवाइज एंड यानी या तो ज़ीरो होगा तो फिर ज़ीरो ही चला जाएगा, और अगर कोई और वैल्यू हुई तो फिर वो और कोई वैल्यू आ जाएगी, मीन्स इतना जो पोर्शन है वही रह जाएगा। फाइनली अब हमारे पास क्या है, एक तो शीट की जगह हमारे पास इनिशियल फ्रेम का इतना पोर्शन है और करंट फ्रेम का हमारे पास बाकी पोर्शन है शीट के अबव वाला। हेंस अब हम लोग इन दोनों का बिटवाइज और कर सकते हैं। बिटवाइज और से क्या होगा, जो ब्लैक एरिया दोनों के हैं वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे और फाइनली वो ज्वाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम CV2.imshow से क्या कर देते हैं, हैरी पॉटर्स क्लॉक को एक imshow क्या करता है कि मींस अपने फ्रेम को हम कहते हैं स्क्रीन पर ला सकते हैं। फिर इसके बाद हमने दोनों फाइनल इमेज और फ्रेम जो हमने इनिशियली कैप्चर करा था उन दोनों को दिखा दिया। आपकी मर्ज़ी है, इसे हटा भी सकते हैं, तो मींस अगर मेरे जैसा करना है तो कर लो। एंड ये हमने यहाँ पे फंक्शन क्यों डाला, क्योंकि हमने 3 मिलीसेकंड के वेट के बाद अगर चेक करा है कि अगर बंदा क्यू दबाता है CV2 के फ्रेम पर, मीन्स ओपन CV के फ्रेम पर क्यू दबाता है, तो हमें ये चीज़, हमें ये पूरा इन्फिनाइट लूप क्विट करना है, हैंस हमें फंक्शन क्विट करना है। एंड गाइज द लास्ट थिंग जो कि बहुत सारे न्यूबी प्रोग्रामर्स भूल जाते हैं, ये है कि डिस्ट्रॉय और विंडोज और कैप डॉट रिलीज, ये दोनों फंक्शंस को कभी भी मत भूलना। बिकॉज ये बहुत सारे मीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज। अगर इसमें मीन्स आपने ये वर्कआउट नहीं करा तो फिर क्या है कि बहुत सारी मीन्स कैप अगर रिलीज़ नहीं होता, कैमरा रिलीज़ नहीं होता है, तो बहुत सारा CPU टाइम भी चला जाता है, तो इसे हमें बचना चाहिए। बाकी इसमें जो भी था ये, हाँ ये वाला एक फंक्शन मैंने इसलिए छोड़ने को आपको बोला था क्योंकि जब भी आप ट्रैक बार क्रिएट करते हो तो हर एक ट्रैक बार की वैल्यू चेंज पे एक आपका फंक्शन कॉल होता है और उस फंक्शन का नाम हम यहाँ पर देते हैं। हमें ऐसा कुछ करना नहीं था हर एक वैल्यू चेंज पे, क्योंकि हम तो अपने इन्फिनाइट लूप में हर बार पोजीशन ले रहे हैं फ्रेम के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल सा फंक्शन डाल देंगे जिससे कि मतलब कुछ भी प्रिंट करा दो या फिर एम्प्टी रख दो फंक्शन, वो आपकी मर्ज़ी है। हैंस गाइज ये पूरा प्रोजेक्ट था, सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।